नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर के तिलक हॉल में कांग्रेस सेवा दल के बुंदेलखंड प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में बुंदेलखंड प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कांग्रेस सेवा दल प्रदेश प्रभारी ब्रजकिशोर शर्मा और महिला प्रभारी दीप्ति पांडे ने अपना व्यक्तित्व रखा है। कांग्रेस से कानपुर देहात के सांसद रह चुके राजा राम पाल ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया है। कांग्रेस सेवा दल के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया कि हाई कमान से निर्देश जारी हुआ है कि कांग्रेस सेवा दल अब कांग्रेस को संचालित करेगी और जनता के बीच जाकर लोगों से कांग्रेस सेवा दल रूबरू होगा। बैठक के उपरांत मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव निकट है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी के निर्देशों पर कांग्रेस सेवा दल के हर विंग को बूथ लेवल तक सक्रिय करने का काम किया जाएगा। कांग्रेस सेवा दल विंग के सभी कार्यकर्ता कांग्रेस की नीतियों को आम पब्लिक तक पहुंचाने का काम करेंगे। पूर्व सांसद ने सपा बसपा और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों ने जनता के हित में कोई भी काम नहीं किया है, इसलिए कांग्रेस के सभी विंग के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे। पूर्व सांसद ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जब ये योगी सरकार आई है उसे जनता के हित में कोई भी काम नहीं किया। उनका कहना है कि अब जनता खुद कह रही है कि मोदी और योगी का मुकाबला केवल कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल ही कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव सन्निकट हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका जी ने हर विंग को, चाहे मेन कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, अनुसवाई हो, सेवा दल हो, प्रत्येक संगठन को बूथ लेवल तक सक्रिय करने के लिए, कांग्रेस की रीतियों नीतियों को आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, कांग्रेस की जो उपलब्धियां रही हैं, और जब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है उसके बाद सपा बसपा और भाजपा ने कोई ऐसा काम नहीं किया। जैसे कोरोना महामारी में एक भी अस्पताल तो छोड़ो, एक कमरा भी एक्सटेंशन कराने का काम इन तीनों सरकारों ने नहीं किया है। लोग दवा के अभाव में मर गए, लोग बेड के अभाव में मर गए, लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के हमारा जो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा और पुराना विंग था वो सेवा दल, ये सेवा दल का काम ही यही था कि कांग्रेस के कार्यक्रमों को, कांग्रेस की नीतियों को, रीतियों को, उपलब्धियों को आम पब्लिक तक जाकर बताना, और जो जनता के सवाल हो उसका सही जवाब अगर कोई दे सकता था कांग्रेस में, जमीन पे जाकर उस सेवा दल का काम पहला था। इसी को लेकर आज यहाँ पर पूरे बुंदेलखंड प्रदेश के प्रभारी और यहाँ जिलाध्यक्ष लोग आए हैं, उनको 2022 चुनाव सर पे है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में मजबूती के लिए क्या नीतियाँ रहेंगी कांग्रेस की? जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस तो अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने जब से योगी सरकार आई है, आदरणीय प्रियंका जी ने, चाहे लैंड ऑर्डर के मामले में रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले में रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश पूरे देश में किसानों का मामला रहा हो, हर इशू पर अगर कोई मुखर विरोध योगी का करने का काम किया है तो आदरणीय प्रियंका जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने। आज आम पब्लिक भी ये कहने लगी है कि अगर मोदी का कोई मुकाबला कर सकता है, योगी का कोई मुकाबला कर सकता है, तो कांग्रेस कर सकती है। दूसरे चुनाव में कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं, ये तो हाईकमान पे है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गठबंधन होगा। मुझे लगता है कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी।